लॉकडाउन में खत्म हुई आदित्य नारायण की सेविंग। काम न मिला तो बेचनी पड़ेगी बाइक। कोरोना काल में कई बिजनेस ठप हो गए और कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब कहने को स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है, लेकिन जिंदगी को फिर पटरी पर लौटने में काफी समय जाने वाला है। सिंगर आदित्य नारायण भी इस समय काफी संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो इस समय वे अपनी शादी की खबरों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ने सभी को हैरान कर दिया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे आदित्य। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में आदित्य नारायण ने बताया है कि लॉकडाउन ने उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाल दिया है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे अब बैंकरप्ट होने वाले हैं। इस बारे में आदित्य कहते हैं, मेरी खुद की सेविंग खत्म हो गई है। म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा था मैंने सब निकाल लिया है। अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ 18,000 रुपए रह गए हैं। अगर अक्टूबर में भी काम नहीं करूंगा तो कोई पैसा नहीं बचेगा। मुझे मेरी बाइक भी बेचनी पड़ जाएगी। काफी मुश्किल समय है। अब आदित्य नारायण का कहना कि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ये सभी को हैरान कर गया है। जिस आदित्य नारायण को हमेशा लेविश जिंदगी जीते देखा गया है, उनका अब ऐसी स्थिति में आ जाना परेशान करता है। एक तरफ तो आदित्य की शादी श्वेता अग्रवाल से होने जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में चुनौतियों का अंबार है। वे इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर अपने गुजर बसर के लिए भी उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं।